बस बन गई अम्मा, बन गई। मुझे शुक्र है चाय मिली, एक घंटा पहले मांगी थी। दरअसल बहुत सारे काम थे, वही कर रही थी। और हमारे काम की बारी तो आखिर में ही आती है। नहीं ऐसी कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई शुक्र है तुम भी घर आई हो। तुम तो ये थीसिस के चक्कर में एनी से भी ज्यादा मसरूफ हो गई हो। और एक हमारी बहू साहिबा, इनकी पता नहीं क्या मसरूफियत होती है कि हमारा काम करने में इनको दिक्कत होती है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आपका ख्याल रखने की, अब बस घर में बहुत सारे काम होते हैं तो करो ना काम, किसने मना किया? वैसे भी पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनकी किस्मत में बहू का सुख लिखा होता है। यहाँ तो बेटा जबरदस्ती जिद में शादी कर ले तो कहाँ का सुख। किस बात का दुख है आपको अम्मा? और वैसे भी जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं ना। हाँ अम्मा, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं। और अब पुरानी बातें करने का क्या फायदा? तुम बस गैरों की तरफदारियां किया करो। अम्मा भाभी गैर नहीं है, वो हमारी अपनी है। हाँ बेटा, वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया। अम्मा जो होना था अब हो गया है, अब आप भाभी को कबूल कर लें। क्या क्या कबूल करूं? मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी बदल गई है चंद सालों में। अपना घर छूटा, अपना मोहल्ला छूटा, ये मकान मुझे पराया सा लगता है, जैसे मैं किसी गैर के घर में रह रही हूं। अम्मा वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं, लेकिन हमारे हालात तो बेहतर हुए हैं। इतनी अच्छी कीमत पर हमने अपना पिछला मकान बेचा, ये घर खरीदा और हमने पैसे सेव भी किए। अगर आप मुझसे पूछे तो भाभी तो हमारे लिए लकी साबित हुई। चलो भाई, अब ये सब भी उसी की किस्मत का हो गया। हमारी इतने सालों की मेहनत, हमारी कुर्बानियां, हमारा सलीका तो किसी शुमार में नहीं है। मैं देख रही हूं भाभी का बहुत रंग चढ़ गया तुम पर। तुम्हारा ये मेकअप, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बालों का अंदाज सब देख रही हूं। मैं तो बिला वजह हूरिया से नाला रहती थी।